बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएम स्टूडियो। आज हम आपके सामने लाए हैं इलास्टिक स्लीव्स। आइए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बाजू कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आप तकरीबन ये 3 से 3.25 इंच की फोल्डिंग बना लेंगे और ये इलास्टिक का गैप बना लेंगे ये वाला। और ये हमने मार्किंग की हुई है, इधर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरफ हमारी ये सिलाई लग जाएगी। इसके बाद हम ये सेंटर में जो मार्किंग की हुई है उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे और ये दोनों तरफ एक जैसा दबाव बन जाएगा। जितना इलास्टिक का गैप है उतना ही ये बन जाएगा। ये सेंटर में भी सिलाई लग गई हमारी, ये भी लग जाएगी। फिर ये आगे वाला हिस्सा छोड़ के पिछले वाला हिस्सा जो है उसमें हम ये इलास्टिक डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये इलास्टिक जब हम डालेंगे, पीछे से इलास्टिक को हम पकड़ लेंगे और उसको हम स्टिच कर लेंगे। वो एक तरफ से उसकी इलास्टिक की पकड़ हो जाएगी और दूसरी तरफ से भी आप इलास्टिक को कवर कर लेंगे सिलाई की मदद से। और इसको भी हम सिलाई लगा के इसको भी मजबूत कर लेंगे और ये कवर हो जाएगा। इलास्टिक को दोनों तरह से खींच के उसका लेवल कर लें और फिर आप इसके मिड सेंटर में जो है ना इलास्टिक के वो आप सिलाई लगा लें। इलास्टिक को खींच के और पीछे हाथ रख के आप इसको सिलाई लगाएंगे और बहुत अच्छी और नीट एंड क्लीन तरीके से ये सिलाई लगेगी। सेंटर में सिलाई लगाई है उसके दोनों तरफ में एक एक सिलाई और आप लगा लें, इलास्टिक की ग्रिप बड़ी अच्छी बनेगी। और ये स्लीव्स हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।